सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं अभी हूँ राजस्थान के अंबरी रोड पे। तो मैं आज आई हूँ एक कैफ़े पे। मेरी फ्रेंड मेरे को बोल रही थी सुबह से कि यार कैफ़े चलते हैं, कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही है। तो फाइनली मैं कैफ़े पे आ चुकी हूँ। मतलब कैफ़े भी है यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे क्लब भी है। जैसे कि लड़कियों की बहुत इच्छा होती है कि यार क्लब चले, थोड़ा सा मस्ती वगैरह करें, उस हिसाब से हम क्लब आ चुके हैं। सेकंड हम ज़्यादा मस्ती नहीं करेंगे क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो हम खाना खाएँगे। सो देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप से व्यू मिल रहा है। अभी मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ। तो अंबरी रोड पे बहुत सारे मतलब इस टाइप से आपको क्लब मिलेंगे। तो आप जब भी आते हो राजस्थान तो यार यहाँ पे ज़रूर आना और मुझे कमेंट करना कि आपको कैसा लगा। सो अब मैं जा रही हूँ जहाँ पे मुझे खाना खाने जाना है, वो रेस्टोरेंट पे जा रही हूँ। तो मैं वहाँ का फिर आप लोगों के साथ नज़ारा बताती हूँ। सो गाइस, मैं अब आ चुकी हूँ अंबरी रोड पे। हरिगढ़ करके रेस्टोरेंट है, तो मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए आई हूँ, मतलब डिनर के लिए आई हूँ। रात को बज चुके हैं 9:30 और मैं जा रही हूँ खाना खाने क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है, थक चुके हैं गाइस। सो ये मेरा सेकंड पार्ट है। तो मेरा फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखना गाइस। अब मैं बताती हूँ आगे का कि आगे कैसा क्या है, मतलब कैसा क्या रेस्टोरेंट है, खाना यहाँ का कैसा क्या रहता है। सो मैंने जहाँ तक सुना यहाँ का खाना बहुत अमेजिंग रहता है, बहुत अल्टीमेट रहता है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी मतलब स्पेशल है जो कि मैं बता रही हूँ। तो मेरे वीडियो के साथ आप लोग एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस, यहाँ की मैं आप लोगों को स्पेशल कुछ बताने वाली थी। तो मैं स्पेशल ये बताने वाली हूँ कि हर जगह पे ऐसा होता है कि हम नॉर्मली चेयर पे बैठ के खाते हैं ना, वहाँ पे टेबल रहती है, डाइनिंग टेबल रहती है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है जहाँ पे मतलब हम बिल्कुल मतलब पैर लंबे करके हम बैठ के खा सकते हैं। जैसे हम घर पे सोफे पे बैठ के खाते हैं उस तरीके से खा सकते हैं। तो देखते हैं। और गाइस, यहाँ के स्पेशल एक और चीज़ है जो कि मैं बताना चाहती हूँ, जैसे मैं जहाँ पे अभी खाने बैठ रही हूँ। सो गाइस, यहाँ की खाना इतनी अमेजिंग है, मतलब इतना मतलब टेस्टी है कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और मैं यहीं पे बैठ के खाने वाली हूँ जहाँ पे ये कैंडल लाइट जल रही है। और देख सकते हो यहाँ से पूरा उदयपुर का व्यू दिख रहा है, देख सकते हो आप लोगों के सामने लाइव दिख रहा, मतलब इतना प्यारा लग रहा है यार गाइस, जैसे कि हम कहीं यार डेट पे निकले हो। सो गाइस, मैं अब यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो गाइस, देख सकते हो अब मैं आ चुकी हूँ होटल जहाँ पे मतलब मैं रुकी हूँ कहना चाहिए। तो देख सकते हो आज मेरा बर्थडे है, तो ये मेरे फ्रेंडों ने मतलब रूम डेकोरेट किया है। तो आप लोगों को कैसा लगता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और देख सकते हो बहुत मतलब प्यारा लग रहा है यार, बहुत सुंदर लग रहा है। ये मेरा केक है बर्थडे का जो कि उन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया है। सो गाइस, अभी हो चुके हैं रात के 11:30 और मुझे उन लोगों ने सरप्राइज़ दिया है क्योंकि बाहर उन लोगों ने मुझे खड़े करके रखा था। सो देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा है। सो गाइस, हमारी सरप्राइज़ पार्टी आपको कैसी लगी? तो मैं फिर आगे का बताती हूँ कि उन लोगों ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। सो मैं अब गिफ्ट ओपन कर रही हूँ आप लोगों के साथ जो कि देख सकते हो। हाँ गाइस, और आप लोगों के साथ मुझे एक चीज़ और बताना है कि अभी तो मैं ये गिफ्ट ओपन कर रही हूँ, देन मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये जो मैंने आउटफिट पहन रखा है ये मेरे पार्ट वन में देख लेना, ये भी मुझे गिफ्ट मिला है मतलब कल नाइट में। तो देख सकते हो आज मुझे मिला है ये बिल्ली, मिला है गिफ्ट जो कि मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। तो बिल्ली मुझे बहुत पसंद है, ये चॉकलेट है। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से मुझे गिफ्ट मिला है क्योंकि कल नाइट में भी मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं जो कि मैंने पार्ट वन में बता दिया है, तो आप लोग देख लेना वहाँ से जाके। सो देख सकते हो, तो ये है हम्पर बॉक्स जो कि देख सकते हो मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं। सो गाइस, अब इसको ओपन करने की प्रोसेस करते हैं जो कि मुझे आप लोगों के साथ स्पेशली दिखाना है क्योंकि मैं इसको नेक्स्ट टाइम नहीं दिखा पाऊँगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कहना चाहिए। तो मैं अभी आप लोगों के साथ अच्छे से बता देती हूँ क्योंकि गाइस, आप इसको अच्छे से देख लेना जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे बना है, कैसा क्या मतलब इसका प्रोसेस है। मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं, तो देख सकते हो ये कुछ चॉकलेट है जो कि मतलब मुझे स्पेशली बहुत पसंद है और ये गिफ्ट के साथ और ये मुझे हम्पर बॉक्स के साथ मिला है। तो देख सकते हो इतने सारे, देख सकते हो ये मेरा पिक्स है ये मतलब हम्पर बॉक्स में। तो ये सेकंड चॉकलेट ये है जो कि खट्टी मीठी रहती है, आप लोगों ने खाया भी होगा।
सो गाइस मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा गिफ्ट्स। सेकंड देखते हैं ये क्या है। ये मतलब परफ्यूम है जो कि इसके साथ में इंक्लूड है, तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से मतलब परफ्यूम मिला है। तो मैं इसको परफ्यूम बोलना चाहूँगी, आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं उसको, डियो परफ्यूम जो भी बोलना चाहें आप, मैं इसको तो परफ्यूम बोलूँगी। सेकंड मेरे पास ये देख सकते हो मग्गे बोलूँगी मैं इसको, मग्गा बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा नेम लिखा हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा है। देख सकते हो कुछ कलरफुल है, इसमें बबल्स वगैरह हार्ट टाइप का बना हुआ है, तो और भी सुंदर लग रहा है। सेकंड मेरे पास क्या है देखते हैं। सेकंड ओ माय गॉड, तो ये है, आप लोग जानते होंगे मैं भी जानती हूँ, ये फेस वाश है यार, बहुत अमेजिंग लग रहा है गाइस। थर्ड मेरे पास क्या है वो भी देखते हैं। ये करा है गाइस जो कि हम इसको अपने, तो गाइस ये है करा हाथ में पहनने की। उसके बाद क्या है मेरे पास, तो ये दो गुलाब है जो कि आप लोग देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं मुझे। और ये क्या है, तो ये है गाइस पासपोर्ट रखने का पर्स, जिसमें मतलब हम कहीं बाहर जाते हैं तो इसमें हम अपनी आइडेंटिटी वगैरह रख सकते हैं, मतलब कार्ड वगैरह कहना चाहिए। इस पर भी मेरा नेम लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो इस टाइप से कुछ कार्ड रखने का रहता है। और बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि मेहरून कलर का है। तो कैसा लगा मेरा गिफ्ट तो मुझे कमेंट करना ना भूले। सो देख सकते हो ये बिल्ली, मैंने आप लोगों को बताया भी था। और क्या है, मेरी फ्रेंड और भी मुझे कुछ गिफ्ट दी है जो कि देखते हैं। सो गाइस ये तो ड्रेस लग रही है जो कि आप लोग देख सकते हो, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि नेहा कक्कर की मतलब ये ड्रेस है। तो मतलब मेरा जो पार्ट वन है आप उसमें देख सकते हो, नेहा कक्कर के पास कुछ इस टाइप से ड्रेस है। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी तो मुझे पसंद आया था, लेकिन उसने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस मैं अभी मतलब केक जब काटूंगी तो मैं यही ड्रेस पहनूंगी जो मैंने पहन लिया है, देख सकते हो। सो गाइस कैसी लग रही है मेरी आउटफिट तो मुझे कमेंट करना ना भूले। सो गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग प्यार दिखाना। मैं गाइस अब एंड करने वाली हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अब केक काटने, तो आप लोगों ने देख लिया होगा फाइनल मेरा लुक क्या है। ये मेरा केक अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं आप लोगों को इसका लिंक दे सकती हूँ जहाँ से मैंने बनवाया। सो गाइस अब मैं यहाँ से चेकआउट करने वाली हूँ जहाँ पे मैं रुकी थी। तो मैं आप लोगों के साथ सोच रही हूँ कि रिसोर्ट का नाम बता दूँ, तो मैं गाइस रिसोर्ट का नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं वीडियो के साथ लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से तो आप लोग देख लेना लिंक को और वहाँ से मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा देखने के बाद। सो मैं आप लोगों के साथ अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि होटल मतलब जो भी होटल रिसोर्ट जो भी रहा हो, मतलब रिसोर्ट था एक्चुअल में, होटल नहीं बोल सकते इसको, तो मतलब कैसा इसका फाइनल लुक रहा। तो गाइस बहुत अच्छी होटल थी। सेकंड यहाँ पे दो दो स्विमिंग पूल थे जो मेरे पार्ट वन में आप लोगों को दिख जाएगा, मतलब बिल्कुल बाहर के पास है। सो गाइस मैं अपना वीडियो अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्यार ज़रूर दिखाना और मुझे कमेंट करना आप यहाँ पे जब भी आते हो तो। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी था। तो कुछ गलती अगर दिखी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, जिसको मैं पूरी कोशिश करूँगी सुधारने की। तो बाय बाय गाइस।